Good morning, students. How are you? Today we are going to learn English lesson. Our first lesson, zero lesson. In zero lesson, there are some opposites and their filling words. Today we are going to learn about it. ये हम UKG class में learn किया था. लेकिन अभी और एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे. सीरो लेसन मीन्स पहले का क्लास का रिवीजन. ओके, ऑपोजिट्स. डी ए वाई डे, डे मीन्स दिन. दिन का ऑपोजिट है एन आई जी एच जी नाइट. नाइट मीन्स रात. डी ए वाई डे एन आई जी एच जी नाइट. ऐसे लगे ठीक है. यूपी अप, अप मीन्स ऊपर. डी ओ डब्ल्यू एन डाउन, डाउन मीन्स नीचे. अप डाउन लर्न किया था लास्ट ईयर. एम ए एन वाई मेनी, मेनी मीन्स बहुत सारा. इसका ऑपोजिट है एफ ई डब्ल्यू फ्यू, कुछ बहुत सारा थोड़ा. ये है मेनी एंड फ्यू. सिंगुलर प्लूरल में हमने वन एंड मेनी लर्न किया था. बहुत सारे के लिए मेनी बोलते हैं, याद है क्या आपको? ओके. एच ए डब्ल्यू पी वाई हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश. एस ए डी सैड, सैड मीन्स दुख. आई एन एस आई डी इनसाइड, इनसाइड का ऑपोजिट है ओ यू टी एस आई डी outside. Inside means अंदर, outside means बाहर. In, out, अंदर बाहर. C L E A N clean, clean means साफ. D I R T Y dirty, dirty means गंदगी. S T O P stop, stop means रुकना. S T A R T start, स्टार्ट मीन्स शुरू करना. एस डब्ल्यू डब्ल्यू टी स्वीट, स्वीट मीन्स मीठा. एस ओ यू आर सोर, सोर मीन्स खट्टा. सी ओ एल डी कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा. एच ओ टी हॉट, हॉट मीन्स गरम. आई एन इन, इन मीन्स अंदर. ओ यू टी out, out means बाहर. H A R D hard, hard means कठिन. S O F T soft, soft means मुलायम. B I G big, big means बड़ा. S M A double L small, small means छोट. ये सारे वर्ड्स हम लास्ट ईयर लर्न किया था यूकेजी में. इसका रिवीजन है, सब अपना नोटबुक में लिखना और नेक्स्ट वीक में इसका होमवर्क भी लिखना और याद करना. नेक्स्ट है फीलिंग वर्ड्स. फीलिंग वर्ड्स मीन्स हमको जो महसूस होता है वो है फीलिंग वर्ड्स. फील मीन्स महसूस. एस ए डी सैड, सैड मीन्स दुख. दुख हमको महसूस होता है तब हमारे चेहरे में हंसी आएगा. दुख महसूस हो गया तो नहीं मैडम आपको पिटाई दे दिया तो आप नहीं हंसेंगे, रोएंगे, तब मन में दुख होता है, इसीलिए आप रोते. एच एल एफ पी वाई हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश. अपना बर्थडे के दिन कोई आपको गिफ्ट दे दिया तो खुश रहते हैं. क्लास में भी अच्छा सही आंसर बोलेगा तो मैडम टॉफी खिलाते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं, तब भी आपको खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं. ये हैप्पी. ए एन जी आर वाई एंग्री, एंग्री मीन्स गुस्सा. अपना चीज कोई और ले लिया तो आपको क्या होता है, गुस्सा आते हैं. आप गुस्सा करते क्या? लेकिन घर पे गुस्सा नहीं करना ठीक है. मम्मी से भी, मम्मी पापा कुछ बोलेगा तो गुस्सा नहीं करना ठीक है. एस सी ए आर डी स्कर, स्कर मीन्स डर. हम जो डर जाते हैं तो कुछ देखे ने? और कुछ
सुन के हम डर होता है तो जल आवाज सुने कभी हम डर जाते हैं, और बिजली कटकते आवाज अचानक एक तो बहुत बड़ा आवाज है तो हम डर जाते हैं, हम बाहर बाहर तो हम जल्दी तुरंत अंदर घर पे अंदर घुस जाते हैं। हाँ ये ऐसे है डर, स्केयर डर। एलओ एन ई एल वाई लोनली, लोनली मीन्स अकेला है, हम अकेला बैठेगा तो हमको ये फीलिंग होता है के साथ रहने के लिए कोई नहीं, बात करने के लिए कोई नहीं, ऐसा अवस्था को बोलते हैं लोनली। एच यू एन जी आर वाई हंग्री, हंग्री मीन्स भूख, आपको भूख लगता है क्या? काम करने के लिए बोलते हैं, पढ़ने के लिए बोलते हैं तब भूख लगता है, नहीं तो भूख नहीं लगता है। हाँ जैसे करते हैं लेकिन समय पर अपना फूड लेना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, अगर अपना हम स्कूल में नहीं जाते घर पे बैठते रहते हैं, लेकिन फूड का टाइम वो ही होना चाहिए, समय पर हम खाना खाना, तब हम बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, अपना हेल्थ सही रहेगा। खाने पीने में बिल्कुल लापरवाही नहीं करना, और वेजिटेबल खाने के लिए ध्यान रखना, ये बिल्कुल हमारा हमारा बॉडी को वो बीमारी से रोकने का ताकत कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये हमेशा ध्यान रखना। खाते हैं क्या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? हाँ ये घर पे भी हरी सब्जी भी खा लेना काफी। अभी जो बीमारी चलता है पता है सबको, कौन सा बीमारी चलता है? कोरोना चलता है। हाँ इसको रोकने के लिए अपने अंदर ताकत होना चाहिए, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलते हैं, इसलिए लापरवाही नहीं करना, मम्मी जो खिलाते हैं खाना। ओके नेक्स्ट थर्स्टी, थर्स्टी मीन्स प्यास, प्यास लगते हैं बार बार, अभी गर्मी का मौसम है हमको बहुत प्यास लगती है, अच्छा पानी पी लो और जूस भी पी लो दूध भी पी लो, ये सारे हमारा हेल्थ को सही रखेंगे। सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स एस यू आर पी आर आई एस ई डी, सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स हमको अचानक जो कुछ हम सुनते हैं वो है हमको सरप्राइज। क्लास में टीचर सरप्राइज टेस्ट भी देते हैं, पहले नहीं बोले थे, आज सीटी होगा, सुबह आते ही टीचर बोलेंगे नोटबुक निकालो अभी वो सीटी, तब हमको सरप्राइज होता है, ओह क्या सीटी दे देंगे मैंने याद नहीं किया, ये है सरप्राइज। और बर्थडे के दिन चुपचाप पापा मम्मी आपको गिफ्ट लेके आते हैं, आपको पता नहीं गिफ्ट लाएंगे, लेकिन लाएंगे तब पता चलता वो गिफ्ट लाया, बहुत वो सरप्राइज, समझ में आया? ये भी अपना नोटबुक में लिख लेना और नेक्स्ट पेज में होमवर्क डालना, वो भी लिखना याद। ओके इसमें 12 में पूरा वापस में डेली 4 4 याद करो, 1 2 3 4 4 तो याद कर सकते हैं आराम से हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे 8 फिर अगला दिन 12 तीन दिन में अपना याद हो, फिर डेली इसको रीडिंग करते रहो तब अपने आप याद हो, ये भी ऐसे करना, ठीक है समझ में आया? ओके okay.